माँ मैं आपको कितना गलत समझती रही, अब जब मैं सब जानती हूँ तो मुझे पता है कि क्यों आप मुझे यहाँ आने से हमेशा रोकती रही, क्यों मना करती रही अपने परिवार से मिलने के लिए। पर अब आपकी बेटी आ गई है माँ, और मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार को उस श्राप से मुक्ति दिलाकर रहूंगी, चाहे वो बुरी शक्ति कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। उस एक वस्तु की खोज और बुरी आत्मा से लड़ाई के लिए मेरे सफर की शुरुआत आज से होती है, और उसी जगह से जहां से ये सब शुरू हुआ था। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये किस चीज की आवाज है? ये निशान? ये कैसे निशान है? कहीं ये आवाज इस निशान की वजह से तो नहीं आ रही? शायद ये वही पहली शैतानी वस्तु है जिसके बारे में उस आदमी ने मुझे बताया था। बेटा, तुम और ऋतु यहां से चले जाओ, उस आदमी इस अंकित को भी ले जाओ, क्या पता तभी हमें इस बला से छुटकारा मिल जाए। चले जाओ बेटा। दादी, अगर ऐसा होता ना तो सोनम दीदी के पति की मौत रोड एक्सीडेंट में ना हुई होती, और ना ही वर्षा दीदी के पति फैक्ट्री में मरते। हम यहाँ से भाग के कहीं भी चले जाए ना, ये श्राप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमारी जान लेके ही छूटेगा ये। दीदी प्लीज, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाइए, प्लीज कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। अंकित, अंकित मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तेरे पास हूँ, तू टेंशन मत ले। अनिका, हाथ दिखाओ। चोट कैसे लगी बेटा? दादी ये तो
सोते वक्त ना बेड का किनारा लग गया था। अब भगवान जब चाहेगा तभी इस बला से छुटकारा मिलेगा। तो अब क्या हम भगवान भरोसे बैठ के अपनी मौत का इंतजार करेंगे? मेरी मेरी निशा से बात हुई है, उसने एक बहुत शक्तिशाली सिद्ध बाबा से बात की है, वही हमें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। ये ऐरे गैरे बाबाओं के झोले का खेल नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के पापों की सजा है जो इस वंश के साथ ही खत्म होगी, और इसे भुगतना अब हमारा नसीब है। तो हम क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और इंतजार करें अब किसकी मौत होगी? अंकित तू टेंशन मत लेना, तू समझ क्यों नहीं रहा है? अंकित, अंकित! क्या हुआ बेटा? अनिका आंखें खोलो, अनिका। तुझे सोना नहीं है, हाँ? कॉन्सेंट्रेट, तुझे सोना नहीं है, हाँ? हाँ, अब नहीं सोंगे। मुझे सोना नहीं है। रितिक! अनिका! अनिका, क्या हुआ? मुझे फिर से नींद आ रही है, तुम प्लीज जल्दी से जाके वो लाल मिर्च पाउडर लेकर आओ, प्लीज आओ जल्दी जल्दी। अभी लेकर। सुन सकता हूं बट मुझे पता नहीं मैं कहां हूं। अनिका! अंकित, ऋत्विक, यहां पर सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मेरी एक बात मानो, तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ जब तक यहां पर सब सही नहीं हो जाता, प्लीज। नहीं दीदी, हम लोग आपको ऐसे खतरे में अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। अंकित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, यहां पर तुम दोनों की जान को खतरा है,
प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऋत्विक तुम बोलो ना इसको कुछ। नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे। पहले हम डर के मारे इससे भाग रहे थे, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि इस डर से लड़ने में हम आपका साथ देंगे। मेरा अगला सामना ना जाने किस बुरी शक्ति से होगा, और कैसे खत्म करूंगी मैं उसको। ओह गॉड, कहीं ये वही तो नहीं जिसको मैंने गार्डन में महसूस किया था। शक्ति से मुझे अकेले ही लड़ना होगा। मैं अंकित और ऋत्विक की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ये तो वही कच्चे कलुए हैं। कच्चे कलुए? सुना है कुछ तांत्रिक उनकी आत्माओं को वश में करके लोगों को मारने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि वो अंकित और ऋत्विक की जान के पीछे पड़े।
कुछ नहीं होगा। अब मुझे उनकी कमजोरी पता चल चुकी है। ये आग देख, अब ये आग हमारी ताकत है। बस हमें ये सोचना है कि उन्हें ट्रैप में कैसे फंसाएं। आप सब रूम से बाहर मत निकलना, चाहे बाहर जो कुछ भी हो, मैं उन्हें अपने ट्रैप में फंसाकर खत्म कर दूंगी। Are you mad, अनिका? कितना खतरा है तुम्हें इसमें? तुम ना कुछ भी मत करो पागलपन में। मैं जानती हूँ ऋत्विक, लेकिन मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। इससे पहले कि वो मेरे पूरे परिवार की जान के लिए खतरा बने, मुझे उन्हें खत्म करना होगा। अनिका बेवकूफी मत कर, वो तुझे मार देंगे। मासी देखिए, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे खत्म करना है। अनिका, निशा, देखो मैं ऋतु के साथ पागल नहीं हूं, सब कुछ जानते भी मैं मौत का इंतजार करूं, मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। होगा मेरा अगला पड़ाव, क्या होगी अगली शैतानी वस्तु? टूट गया, मैं साफ कर दे। दादी दादी नहीं नहीं, नहीं आगे मत बढ़िए, मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। ये काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। चल अभी चलिए। मैं जानती हूँ तुम
मेरी सोनम दीदी नहीं हो, तुम दीदी के रूप में एक एक सारा हो। मिली खून, मिली मिली चल मिली मिली। अरे बेटा, मिली बेटा, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, मम्मा ये डरते नहीं है। हाँ। नहीं मासी, मुझे डर लग रहा है मम्मा से। बेटा ऐसे डरते नहीं है। अनिका, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी अपनी बेटी मुझसे डर रही है। दीदी रोइए मत, पर आपके साथ वहां पर हुआ क्या? मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैं उस शीशे के सामने खड़ी थी और फिर पता नहीं क्या हुआ। और वो शीशा तो टूटा हुआ था। नहीं, जब मैं वहां थी वो शीशा बिल्कुल ठीक था। तो नहीं दिया, भगवान करे कोई अनर्थ ना हो, हमें बस हमारी बच्ची मिल जाए। सोनम दीदी, सोनम, सोनम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? सोनम दीदी, सोनम दीदी, इधर देखते हैं। सोनम दीदी कहाँ चली गई है? फर्नीचर रखा है। ये क्या हो रहा है? सोनम दीदी, अंकित, अंकित ध्यान से, उठ उठ, तेरे को लगी तो नहीं है? क्या कर रही है?
वो बुरी शक्ति नहीं है। सोनम दीदी, अनिका, अंकित, कौन आ रहा है? मुझे लगा कि तुम दोनों में से कोई बुरी शक्ति है, इसीलिए बस मैंने हम तो आपको ढूंढने आए थे क्योंकि सब लोग परेशान हो गए थे कि आप अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा चलिए अब यहाँ से चलते हैं। चलिए चलिए, आइए दीदी, इधर से आइए। मैं बहुत डर गई थी। अच्छा बेटा, दादी, अनिका, 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 दादी आप ठीक तो हैं? मुझे उठिए, अनिका, वर्षा, वर्षा, दादी वो वर्षा दीदी नहीं बल्कि एक बुरी शक्ति है, पर वो अचानक गायब कहाँ हो गई है? पता नहीं बेटा, तेरी आवाज सुन के पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और हमारी वर्षा वो कहाँ होगी? दादी कहीं वो शीशे के पास तो नहीं? चलो ढूंढते। चलिए। वर्षा दीदी, वर्षा बेटा, वर्षा दीदी, वर्षा बेटा, वर्षा, वर्षा दीदी, वर्षा बेटा, दादी उस शीशे में मत जाइएगा, दादी नहीं, रुकिए, क्या कर रही हैं आप? दादी हटिए यहाँ से, दादी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।